फ्रेंड्स, लव लाइफ गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने गंधराज के प्लांट को फर्टिलाइज देना दिखा रही हूँ। और गंधराज आपको अच्छे से मालूम है फ्रेंड्स कि ये थोड़ा सा नौटंकी वाला प्लांट है। इसको थोड़े थोड़े दिन में फर्टिलाइज़र हमें देते रहना चाहिए, क्योंकि इसको एसिटिक सॉइल भी पसंद है। और अगर हम फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं तो एसिटिक सॉइल इसका असर होती जाती है और एसिटिक फिर से कम हो जाता है मिट्टी में जो पीएच लेवल है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए देखिए हमें इस तरह से फर्टिलाइज़ करना है इनको। तो फ्रेंड्स देखिए, ये चार चीज़ें मैंने ली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है वर्मी कंपोस्ट, और ये है हमारी नीम खली, और ये है हमारी जो हमने चाय की पत्ती की खाद आपको मैंने दिखाई है वो है। तो चाय की पत्ती की खाद आप कैसे बना सकते हैं वो मेरे चैनल पर है वीडियो, आप देख सकते हो। बहुत ही इजी, घर की चाय पत्ती से जिस तरह हम जो चीज़ें हम फेंक देते हैं वेस्ट समझ के, उन्हीं चीज़ों से ये बनेगा और बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है प्लांट्स पर अगर हम डालते हैं। तो ये हमारी चाय पत्ती की खाद हो गई, और ये है हमारा डीएपी। डीएपी आपको मालूम है, मैंने बताया हुआ है कि अगर हमारा ये पॉट देखें, ये पॉट हमारा 12 इंच का है, 12 से 15 इंच का, तो 12-15 दाने हमें देना है। और जितने इंच का पॉट होगा उतने दाने आप इंचेस के हिसाब से ऐड करोगे, और ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1-2 ग्रैनुअल्स तो छोटे बड़े होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कैसे देना है वो भी मेरे चैनल पर है। अगर आपको नहीं समझ में ऐसे आ रहा है तो आप चैनल पर जाके डीएपी कैसे देना है वो भी वीडियो मेरा देख सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे कि इन चारों फर्टिलाइज़र को मिक्स कर लेंगे। तो मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ, इन सबको एक में ही मिक्स कर लेना है हमें। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और ये मिक्सचर मैंने ले लिया है उन चारों चीज़ों को मिलाकर। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि जल्दी से गमले की गुड़ाई कर लेनी है, खूब अच्छे से करना है। जल्दी से का मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारी जड़ बिल्कुल डैमेज ना हो, बिल्कुल गमले के किनारे से आप इस तरह से, देखिए इस तरह से मिट्टी को साइड से कवर करोगे, और बीच में रूट्स के पास बिल्कुल नहीं डैमेज होना चाहिए, रूट्स हमारी खुरपी उसमें नहीं लगनी चाहिए। जो भी टूल्स लें आप उसका ये ध्यान रखें कि उसकी बिल्कुल आपको रूट्स में नहीं लगना चाहिए। बहुत ध्यान से हमारे प्लांट में गुड़ाई करेंगे हम। तो एक एक इंच की, ये देखिए मैंने 1 इंच की, आपको 1 से 1.5 इंच की गुड़ाई कर लेनी है इस तरह से। गुड़ाई करने से फ्रेंड्स जो हम दे रहे हैं मिक्सचर ये पूरा रूट्स में पहुँचेगा इनको इस तरह से। अब इसको मैं साइड में कर लेती हूँ ऐसे। तो हमने मिट्टी में जगह बना ली है यहाँ पर, और इसके बाद मैं ये फर्टिलाइज़र इसमें दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स, मेरे घर के बाहर कारपेंटर्स की शॉप है तो वो हमेशा मशीन चलाते रहते हैं, तो ये डिस्टर्बेंस आपको बहुत होता होगा, मगर मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि अगर टाइम भी देखती हूँ कि कोई टाइम ये ना हो तब जाऊँ वीडियो बना लूँ, तो फिर उस टाइम पर भी ये होते हैं, क्योंकि इनका वर्क ही है वही। तो शॉप सारे दिन रहता है और वर्किंग है तो काम तो करेंगे ही अपना, तो वो चलता ही रहता है। तो मैं क्या करूँ, ये डिस्टर्बेंस मुझे भी बहुत ऑड लगता है, मगर अब क्या कर सकते हैं। अगर रोड पर घर है तो ये सब झेलना हम लोगों की आदत बन चुकी है। तो आप लोग भी थोड़ा सा अवॉइड करिएगा और मेरी प्रॉब्लम समझिएगा फ्रेंड्स, कि मैं इस आवाज़ के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, सो सॉरी। तो अभी हम ये देखिए फिर से हम 2 स्पून इधर भी दे देंगे इस तरह से। तो लगभग मैंने 3 स्पून इधर दिया, 3-4 इस तरह 6-7 स्पून आप दे दीजिए, क्योंकि ये पूरी खाद जो है हमारी ये ऑर्गेनिक है। सिर्फ हम डीएपी दिया है जो केमिकल है, तो वो इतना हमने हमेशा ध्यान रख के ही दिया है कि कितना देना है, क्वांटिटी पे ध्यान रखेंगे तो हार्म नहीं होता है उससे। तो उसकी क्वांटिटी भी हमें पता है कि हमने ध्यान से दी है, तो इस तरह से हमने दे दिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 से 7 चम्मच आप इतने बड़े प्लांट को दे दीजिए, क्योंकि इसका अभी सीज़न है फ्लावरिंग का, तो इसको अच्छे से फर्टिलाइज कर दिया। अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे और बस हो गया हमारा फर्टिलाइज। ये गंधराज और गार्डेनिया प्लांट को इसी तरह हमेशा आप फर्टिलाइज समय समय पर करते रहिए, जैसे मैं बताती रहती हूँ। अगर मेरी टिप आप फॉलो करते रहेंगे तो आपके गंधराज में भी ज़रूर फ्लावरिंग होगी। फ्रेंड्स, इसमें बड्स बन रही हैं, इसीलिए मैंने इसको फर्टिलाइज़ कर दिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।